भाई का मेरे कमेंट आया, गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई करनी कर सकते हैं। अब मेरी तो है नहीं, नहीं तो हम बताते प्रैक्टिकल वे में। अब जिसकी होगी वो कमेंट करके बताना भैया गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई। हमें ना समझ में आता कैसे होती पढ़ाई भैया, गर्लफ्रेंड के साथ कब से पढ़ाई होने लगी। हम तुम्हें एक चीज़ समझा दें, जितने लोग भी जिसने भी अच्छा ये मैसेज हमसे किया है पूछा है उसके ऊपर हम एक चीज़ बता दें कि उसको करनी नहीं है तैयारी, ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसको पहली बात तो तैयारी नहीं करनी है, सबसे मेन बात ये है। दूसरी बात, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड के साथ रह के तैयारी सिर्फ इसलिए करनी क्योंकि तुमने किसी का इंटरव्यू सुन लिया था जिसने ये कहा था कि मेरी सक्सेस का जो श्रेय है वो आधे से ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड को जाता है, तो वो हज़ार में लाख में एक इंसान ऐसा होता होगा, तो होता होगा, एक दो भी कमी हम बता रहे हैं, एक ही ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हज़ार में एक निकल आए तो निकल आए, बाकी सब जगह गुड़ गोबर होता है। इसलिए जब भी अगर तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है, तुम्हारे मन में कीड़े पनप रहे हैं कि भैया अगर हम गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाएं कहीं पे हॉस्टल ले लें या कहीं पे भी तो हम लोग साथ में रह के ज़्यादा तैयारी कर लेंगे या ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, घट्टा, कुछ नहीं होता है। और इसके साथ साथ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि तुम बिल्कुल समर्पित हो जाओगे वहाँ पे, सिलेक्शन वो लेके चले जाएंगे, उसके बाद तुम ब्लॉक लिस्ट में होगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपने बारे में सोचो, सबसे पहले अपनी चीज़ें बिल्ड करो। सामने वाला कितना भी सगा बना रहे भाड़ में जाए, सबसे पहले अपनी चीज़ें तुम बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सबके चक्कर में तुम पड़े रहे अगर, तो यकीन मानो आगे जाके तुम ब्लॉक लिस्ट में भी होगे, कहीं वो ब्याह हो जाएगा, तुम मरते रहना इसे। इसलिए जिन्होंने भी क्वेश्चन किया महानुभाव मृत्युंजय भैया, तुम्हें बस काम इतना सा करना है कि अकेले पढ़ो, जो भी गर्लफ्रेंड उनसे ये बोल दो कि एक साल के लिए हमें छोड़ दो अकेला दीदी, अगर एक साल में हम कुछ बन जाते हैं तब तो साथ में रहेंगे, वरना रहें तो फिर नहीं चल पाएगा अपना। थोड़े से ये टफ डिसीजन है लेकिन ले लोगे तो तुम्हारी लाइफ के लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब तुम किसी के साथ में होते हो, इसीलिए हमने हमेशा कहा है घर छोड़ दो, जब भी तैयारी करनी हो घर छोड़ दो। क्यों? अगर तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में चले गए तो तुम्हें से पढ़ाई घंटा होनी है, अगर होनी है तो तुम बहुत बड़े महात्मा हो किसी तरीके के। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी पढ़ाई करनी हो तो अपने आप को हमेशा थोड़ी सी टफ सिचुएशन में रखा करो। मतलब जैसे घर में पढ़ रहे हो, घर में तुम्हें खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है टाइम से, बस तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम नहीं पढ़ोगे। बाहर जब तुम जाते हो, जब सब चीज़ें तुम्हें खुद से करनी पड़ती तब तुम मेहनत करते हो। इसलिए गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के साथ ये सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट है, ठीक है, इररिलेवेंट है इस टॉपिक को लेके। और खासकर अगर तुम किसी बड़े एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, सॉरी बॉस नॉट पॉसिबल, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर होती हैं तो वो 1-2% होते होंगे, तो उसमें रिस्क मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ के साथ मत खेलो। क्योंकि मुखर्जी नगर में अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो गली में निकल के एक बार पूछ भी लेना कि कितने केस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लड़का लड़की तैयारी कर रहे थे। लौंडे आज भी तैयारी कर रहे हैं, लड़की आईएएस बन गई, उसका शादी भी हो गई और लौंडे आज भी तैयारी कर रहा है। इसलिए भैया अपना बेनिफिट देखो, तुम्हारा भला जिसमें हो रहा है वो करो। दुनिया का सुधार करने का, दुनिया का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। एक बार आईएएस बन जाओ फिर दुनिया बदलते रहना, अभी के लिए पहले खुद को बदल लो। राम राम, जय हिंद।